तो फाइनली योद्धा मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और मैंने इसको देख लिया है। आप इसको बोल सकते हो बॉलीवुड का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर एक्शन के मामले में। आपके पास ऐसा सोचने के लिए दूसरा चांस नहीं है, मैं ये लिख के देता हूँ आपको। धर्मा प्रोडक्शन हाउस की पहली चॉइस और आखिरी चॉइस सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। और वही सिद्धार्थ मल्होत्रा की आप जितनी तारीफ करो शायद उतनी आपके पास शब्द कम होने वाले हैं इस मूवी के लिए, जो एक्शन और एक्टिंग किया है बंदे ने। और आपको बता दूं इस मूवी का ट्रेलर बिना किसी अपडेट का रिलीज हुआ है। फ्लाइट में बैठ के इस मूवी का ट्रेलर ऐसे ही रिलीज कर दिया गया, मतलब इतनी बेहतरीन एक्टिंग और एक्शन जिस मूवी की कहानी के साथ में मिलने वाला है, एवी किसी चीज को रिलीज कर दो शायद ये आपके समझ से बाहर होने वाला है। वहीं योद्धा मूवी के ट्रेलर की कोई अपडेट नहीं थी कि ये मूवी का ट्रेलर रिलीज होने वाला कब है, क्या डेट है। कम से कम थोड़ी सी अपडेट तो दे देनी चाहिए थी कि हम लोग तैयार हो जाते कि हाँ भाई साहब इस मूवी का ट्रेलर आने वाला है, क्योंकि इसका टीजर भी जो आया था वो काफी अच्छा था, इसका एक सॉन्ग आया था वो भी बहुत अच्छा था, जिसका ट्रेलर उससे भी ज्यादा लाजवाब है। मतलब इस ट्रेलर को देखने के बाद एक एक्सपेक्ट लगा लिया हो कि शायद मूवी कैसी होने वाली है, और मूवी देखना जाना तो 100% पक्का है। बिना बताए ऐसा ट्रेलर अगर रिलीज किया जाता है तो शायद बॉलीवुड में अब कुछ बेहतर होना चालू हो गया है। अब पहले से बेहतर तो बहुत हो गया है, क्योंकि एक्शन के मामले में सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत अच्छा एक्शन कर रहा है। इसकी हर एक मूवी उठा लो, चाहे कोई भी ले लो, वो एक्शन के मामले में अपना 100% देता है बंदा। इस मूवी में भी वो ऐसा ही दिया है। अब वहीं इस मूवी की इतनी अच्छी तारीफ हो रही है और इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको ट्रेलर टीजर सॉन्ग निकल के आ रहे हैं, तो और अच्छी चीज के बारे में बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के बारे में। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में राशि खन्ना और दिशा पटानी इस मूवी की एक्ट्रेस होने वाली है, जो कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में अगर ये मूवी बन रही है तो इस मूवी की मार्केट एक अलग ही लेवल की होने वाली है, क्योंकि इस मूवी के कलेक्शन में वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के गुड लुकिंग और एक्शन को देखते हुए इस मूवी का कलेक्शन भी एक नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। इसका ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मूवी एक अलग ही लेवल का बवाल काटने वाली है इस साल में। इस मूवी का ट्रेलर 2 मिनट 39 सेकंड का होने वाला, तो आपको ट्रेलर देखते देखते जैसे ही थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद ये ट्रेलर थोड़ा सा आपको फीका लगने लगता है, वैसे ही इस मूवी का लास्ट का जो एक्शन उसमें देखने को मिलता है भाई साहब फाड़ के रख देता है, आपको एक नेक्स्ट लेवल हाइप बढ़ा देता है इस मूवी की। अब सोचने में मजबूर हो जाते हो उसके बाद कि अब ये मूवी में वो दिखाया जा रहा है जो शायद हर किसी को देखना पसंद और हर कोई बॉलीवुड से एक्सपेक्ट करता था एक एक्शन ड्रामा मूवी बनाने के लिए। वो काफी अच्छी चीजें आपको दिखाई जाती हैं इस मूवी में। जो फ्लाइट क्रैश करते हुए और फ्लाइट के अंदर जो एक्शन दिखाई गई है वो सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी है। वहीं आपको बता दें ये मूवी 15 मार्च को थिएटर में रिलीज होने वाली है। इस मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी 2 घंटा 13 मिनट की होने वाली है, जो कि इस मूवी की रनिंग टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मूवी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट देगी और काफी अच्छा एक्शन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप जो है कुर्सी की पेटी बांध लो और इस मूवी को देखने के लिए तैयारी बना लो। फर्स्ट डे फर्स्ट तो देखने जाना ही पड़ेगा इस मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।